इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है, एंगल होता क्या है, और मेजरमेंट जब करते हैं तो जिन टर्म में भी मेजर करेंगे कि हम उसको कन्वर्ट कर पाते कि नहीं कर पाते, इन सर सारी बातों को हम लोग बेसिकली यहाँ पे ध्यान देंगे। तो एंगल के बारे में देखें, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है कि त्रिकोण प्लस मेंट्रोन मतलब ट्राइंगल के एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और उनका मेजरमेंट। मेंट्रोन मीन्स मेजरमेंट, एंगल बेसिकली क्या है कि इनिशियल साइड को जब हम यहाँ पे फिक्स करके टर्न करें और यहाँ पर ये इनिशियल साइड है, फिर टर्न करके हम लोग का फाइनल पोजीशन पे ले गए, फाइनल साइड पे ले गए, तो जो ये टर्न मूवमेंट हुआ वही क्या है, थीटा है, इसी को हम लोग एंगल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब इसका मेजरमेंट कैसे होगा, ठीक है, तो हम लोग डिग्री में करते हैं, रेडियन में करेंगे और ग्रेड में करेंगे। ये मेजरमेंट के तरीके हैं। डिग्री बेसिकली आप सबसे पहले स्टैंडर्ड हमने सर्कल को माना है, क्या माना है, अब इस सर्कल को हम अगर चार पार्ट में डिवाइड करें तो इसका एक पार्ट अगर लें वन पार्ट तो ये, तो इसको हमने माना वन राइट एंगल, क्या माना गया है, वन राइट एंगल। तो डिग्री में एक बेस माना गया है कि वन राइट एंगल जो है उसको वो 90 पार्ट मानते हैं, 90 डिग्री, कि एक राइट एंगल 90 पार्ट्स होते हैं, 90 डिग्री को मिलके बना हुआ है। तो ये पूरा आप समझ ही गए, चार गुना कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, इसलिए पूरे सर्किल के रोटेशन को लिया गया 360 और उसको रोटेट करने के लिए ऐसे डिग्री लगा देते हैं। फर्दर उन्होंने डिवाइड किया कि वन डिग्री जो है वो 60 मिनट, एक डिग्री कितने मिनट को मिलके बनी हुई है, और वन मिनट 60 सेकेंड्स। तो ये बेस उन्होंने माना है, एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री 90 पार्ट्स मिलके बनी है, एक डिग्री 60 मिनट्स को मिलके बनी हुई है और वन मिनट 60 सेकेंड्स को, ये उन्होंने आधार लिया, बेस लिया। रेडियन की बात करेंगे, रेडियन जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, उन्होंने माना है कि अगर किसी सर्कल में अगर r यूनिट की रेडियस है, r यूनिट की रेडियस है, अगर r चाप भी हमारा r यूनिट ही हो तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, क्या होगा, 1 रेडियन। जितना हमारा रेडियस है उतना ही लंबा अगर आर्क लगा चाप लगाए तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन। मतलब अगर आपने क्या किया, वन यूनिट का अगर आपने रेडियस लिया और आप आर्क की 1 यूनिट का लें तो एंगल क्या आएगा, 1 रेडियन, क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। इस एंगल को बोला गया 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सर्कुलर पूरा रोटेशन जो है 2 पाई रेडियन में कवर हो गया, ठीक है। तो अगर हम डिग्री और रेडियन को रिलेशन में इस्टेब्लिश करें तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री,
अगर वन रेडियन की बात करें तो 360 अपॉन 2 पाई डिग्री, और वन डिग्री की बात करें तो पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हमारा कन्वर्जन है, इसको अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे 60 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर तो 60 इंटू पाई बाई 180। अब ये रेडियन आ गया, क्या आ गया, तो यहाँ आ गया पाई बाई 3 रेडियन। तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेड्स की बात करें तो ये डिग्री बात करेंगे तो कैपिटल डी में बात करते हैं, रेडियन कैपिटल आर में, और ग्रेड की बात करें तो कैपिटल जी। यहाँ पर वन राइट एंगल इन्होंने स्टैंडर्ड माना, 100 ग्रेड्स लिए, कितने लिए, उन्होंने कहा कि एक राइट एंगल को हम 100 पार्ट्स में मानते हैं, उन पार्ट्स को ग्रेड मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वन ग्रेड को 100 मिनट्स माना इन्होंने, क्या माना, हाँ 100 मिनट्स, और वन मिनट्स में 100 सेकेंड्स। तो इन्होंने आधार जो लिया है वो 100 लिया, क्या लिया, 100, ठीक है। तो ये ग्रेड, रेडियन और डिग्री, ये मेजरमेंट था एंगल का। एंगल क्या होता वो मैंने सीखा, डिग्री और रेडियन और ग्रेड्स इनके बारे में सीखा। डिग्री को आप रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे ये दो मेजरमेंट चलन में है, प्रचलन में है, तो इनको समझना बहुत जरूरी। ग्रेड्स उतना ज़्यादा चलन में नहीं आया, ठीक है, उतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है। जैसे कि आपको ये करना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मतलब रेडियन में एंगल है, किस में दिया गया, रेडियन में एंगल। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह 180 रखा अपॉन 2, तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो आप किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कंफर्टेबली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सारे एंगल्स जो कि डिग्री में दिए गए हैं इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किसी भी एक एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं, 15 डिग्री 15 डिग्री को ही ले लेते हैं हम लोग। तो कहा गया था कि 1 डिग्री बराबर क्या आता गया था भाई, बोलिए, पाई बाई 180 रेडियन। तो 15 इंटू क्या करेंगे, पाई बाई 180, कितना आएगा यहाँ पे बताइए, हैं, अरे भाई एक बार आ जाएगा और कितना आ जाएगा, दो बार है, 12 है, बोलिए, पाई 12 आ गया ना, बोलिए, हाँ। तो 10 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा तो 10 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 80। 45 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा, 45 इंटू पाई बाई 18, दैट इज 4। तो कोई भी एंगल को आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन बताया गया था कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो आप 1 डिग्री की जगह इतना है तो 15 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री, कोई भी एंगल डिग्री में दिया गया उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत टफ बात नहीं है, इजी बात है, ठीक है। तो इन सारे दिए हुए एंगल्स जो कि रेडियन में दिए गए हैं, इन रेडियन में दिए हुए एंगल्स को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन हमने सीखा था कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ सीधे देखा जाए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ पर भी पाई दिया गया है वहाँ पे 180 डिग्री रख सकते हैं। जैसे कि 3 पाई है 4, तो सिंपल आप क्या करिए, 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा, 45। तो 135 अभी जो भी कन्वर्ट हो गया डिग्री में हो गया, क्या हो गया, हाँ 12 पाई बाई 7, तो 12 इंटू
180 डिग्री बाई 7। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी डिग्री आए डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, कोई भी पाई बाई 6। तो सिंपल आपको 180 डिग्री अपॉन 6 30 अब डिग्री में आ गया। तो यहाँ पे इजिली आपने रेडियन में दिए हुए एंगल्स को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत टफ, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बोला गया कन्वर्जन में पाई की जगह 180 डिग्री रखना है, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया। आराम से आप आंसर्स ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हमें कन्वर्ट करना है 5 डिग्री 37 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। अगर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो बाकी क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। इसी को हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे कि इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली ये डिग्री मेजर्स है, डिग्री में दिया गया, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब सारी चीज़ों को हम डिग्री में लाएंगे तभी रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको पहले हम लोग सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करें। तो यहाँ देखिए कि वन मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, यानी 60 सेकेंड्स बराबर क्या है 1 मिनट। तो 1 सेकेंड्स बराबर 1/60 क्या हो जाएगा मिनट। तो 30 सेकेंड्स बराबर 30/60 तो 1/2 मिनट, 1/2 आया, 37 मिनट है। तो 37 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, और एक जोड़ देंगे तो 75/2 क्या हो गए मिनट। टोटल इतना हो गया। अब ये मिनट आ गया, मतलब इसको ऐसे लिख लिया गया 5 डिग्री और 75/2 मिनट्स। और अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स बराबर क्या है 1 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 1/60 क्या डिग्री, तो 75/2 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 75/2/60 ना, 75/2 × 60। तो इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा बोलिए भाई, हाँ ये 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5/8 डिग्री हो जाएगा। तो 5 + 5/8 डिग्री, तो 45/8 डिग्री आ गया। तो टोटल हमने क्या किया, इसको इस डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। प्रोसेस से आप जा रहे होंगे, आप देख ली, ध्यान दिया होगा ना आपने। तो अब 1 डिग्री बराबर रेडियन में कितना होता है 5/180 रेडियन होता है कि नहीं। तो इतने डिग्री, तो 75/8 इंटू क्या करेंगे पाई बाई, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो पाई बाई 32 हो गया, रेडियन आ गया। सारी बात समझ गए होंगे ना आप, अगर आपने धीमे धीमे ध्यान दिया होगा तो समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चंस करने से मतलब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। आज इतना ही रखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, एंगल्स क्या होता है, एंगल्स का मेजरमेंट, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, किसी भी तरीके के एंगल्स को हमने कन्वर्ट करना सीखा। मिनट्स सेकेंड्स और डिग्री में भी क्यों ना दिए गए हों, आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। इतना आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट टाइम पर हम इसी पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। और धीमे धीमे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल पर चल रहे हैं हम लोग। लोगों को यही नहीं पता होता कि एंगल्स डिग्री और रेडियन होता कहाँ पे। तो आज आप समझोगे, जहाँ पर भी हमने पाई का यूज़ किया था वो रेडियन था, और जहाँ पे हमने वो बिंदी जिसको बोलते हैं वो यूज़ किया वो डिग्री है। डिग्री और रेडियन में फ़र्क है, उसको आपको समझना है, ठीक है।